बहुत ज्यादा आशा वर्कर को बीपी शुगर भी शुरू हो गया है, बहुत जिनको नहीं था वो स्ट्रेस की वजह से बीपी शुगर शुरू हो गया है। हर कोई काम बताता है, ग्राम पंचायत काम बताती है, ग्राम सेवक काम बताता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का तो हम काम कर रही है, इधर कलेक्टर ऑफिस से भी काम अलग अलग से अलग अलग तरह के काम बता रहे हैं, तो उसका भी स्ट्रेस है। हम खुद का रूटीन का काम करें या फिर ये कोविड का काम को सर्वेक्षण करें या फिर अलग अलग की जो जो डिमांड हो रही है वो काम करें, हम समझ में नहीं है, समझ नहीं पा रहे कि हम किस किस प्रकार के और कितने काम करें। पेंशन का काम, आटा दाल का स्कीम का काम, बेरोजगारों का सर्वे, पशुओं का सर्वे, टॉयलेट का सर्वे, लिटरेसी का सर्वे, जितने भी सर्वे आपको चाहिए, जो भी सरकार को जनगणना की तुरंत जानकारी चाहिए देश को, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर ही करके देगी, पर बदले में सरकार उसको कुछ नहीं देगी क्योंकि वो तो वॉलंटियर है। एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करे इसकी कुछ लिमिट होनी चाहिए, वो कुछ भी तय नहीं किया। हर किसी को लगता है, मुझे एक अधिकारी के रूप में जिसको लगता है कि मुझे आज ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तहसीलदार हो या फिर तालुका ऑफिसर हो या फिर मेडिकल ऑफिसर हो या फिर सीईओ हो या जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो हेल्थ या फिर कलेक्टर हो, जिसको भी मन में आता है तब वो अलग अलग रूप से हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि आज ये चाहिए कल वो चाहिए, तो हमें इस तरह से उधर घूमना पड़ता है, मतलब ये सर्वेक्षण किया फिर ये इन्फॉर्मेशन देनी है फिर इधर जाना है फिर उधर जाना है। जैसे हम लॉकडाउन से पहले कोई भी वर्कर है खुल के किसी भी परिवार में जाके सर्वे कर लेती थी, कोई जानकारी चाहिए थी तो वो जानकारी भी ले लेती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान विभाग हमें जो है मौखिक आदेश दे रहा है कि आप इस चीज का सर्वे करो, आप पूछो कोई बाहर से तो नहीं आया, किसी को खांसी जुखाम तो नहीं है, आप इस चीज को सच मानिए। जब हम सर्वे के लिए भी जा रहे थे तो लोग कुंडी हम खड़का रहे थे तो लोग दरवाजे तक नहीं खोल रहे थे, उनको ये था कि आप घर घर जा रहे हो, आपकी वजह से भी हमारे परिवार को कोरोना हो सकता है, और जो बाहर से अलग अलग शहरों से लोग जो अपने घरों में वापस आए थे वो जानकारी देते हुए भी डर रहे थे कि कहीं हम बता दें हम वहां से आए हैं और आंगनवाड़ी वर्कर जो है कभी हमें उठवा दे, हमारा टेस्ट हो, हम अंदर 14 दिन के लिए बाहर ना चले जाएं, इस तरीके से जो है काफी मुश्किलें हमें आई हैं इस चीज को लेके। उससे पहले ये कभी दिक्कतें नहीं थी, इस तरीके से एक अपनापन का रिश्ता था और अपनेपन के रिश्ते में हम बिल्कुल काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल शक की नजर से देखा जा रहा था। कोविड से पहले हम ट्रैक्टर इंडिकेटर पर काम करते थे, वह हमारा रूटीन का काम था, पर जब से कोविड आया तो हमारा काम बढ़ गया, तो हमें हर रोज होम टू होम सर्वे करना पड़ता था, हर किसी के घर के सामने जाकर उससे पूछना उसके घर में कोई आया है क्या, कहाँ से आया है, मगर लोग डर के कि उन्हें लगता था कि जब हम बताएंगे तो हमें ये लोग पकड़ के ले जाएंगे कि वहाँ इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन करेंगे, इसलिए लोग बताते नहीं थे हमें शुरू शुरू में, इसलिए हमें उन पर बहुत सारा उनका मत परिवर्तन करना पड़ा, उनका अवेयरनेस करना पड़ा, फिर जाके वो लोग बता रहे थे। फिर इनसे भी कोई लोग ऐसे थे कि वो नहीं तो नहीं बता रहे थे, मगर हमारे आजू के बाजू के घर पे हमें पूछताछ करते कि इनके घर में कोई आया है क्या, जब हमें किसी पर शक होता तो हम आसपास आजू बाजू वाले लोगों से पूछताछ करते थे, पूछताछ करे तो हमें उन पर थंब लगाना पड़ता था, पर वो लोग मान ही नहीं रहे थे, वो लोग हमसे ही झगड़ा करने लगते थे, क्यों आप कहाँ से मुझे आपको किसने आदेश दिया, हम बताते नहीं, तुम क्या करोगे, जिसको जो करना है करोगे पर हम नहीं बताएंगे। मुझे शुरू शुरू में हर एक गांव में, हमारे गांव में भी और इधर अदर गांव में भी बहुत झगड़े हुए, किसी ने गालियां भी दी, बहुत सारा आशा को झेलना पड़ा लोगों का। एक एक बंदे की हमें डिटेल देनी थी कि गांव में कौन किस समय जाता है किस समय आता है, उनके बाहर घर के बाहर हमें क्वारंटीन पेपर लगाने थे जिससे हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब हमने सरकार को ये डिटेल दी तो सरकार ने अदर स्टेट में जैसे दिल्ली से हरियाणा में जाने पे रोक लगी, यूपी से हरियाणा में या हरियाणा यूपी से दिल्ली में सब पे रोक लगी, तो
कम्युनिटी है जो, वो कम्युनिटी के लोग ये समझने लग गए कि हम जो है रिपोर्ट सरकार को हर रोज देते हैं और आए दिन कोई ना कोई जो नया पछड़ा उनकी जान को खड़ा हो जाता है, वो हमारी वजह से हो जाता है। तो बहुत जगहों पर आशा वर्कर्स के ऊपर हमले हुए हैं, हमें लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग गरीब हैं, उनकी प्राइवेट नौकरी है, उनको अपना रोजगार जाने का डर था और हम उनको लगातार बाहर जाने से रोक रहे थे। 50 ऊपर बरस के ऊपर के जो लोग हैं उनको मेडिसिन भी हमने ही बांटा है। तो जो पत्रक है वो भी हमें करना है, डिटेल्स भी हमें लेने हैं, वो पत्रक भी हमें ही देने हैं। क्वारंटाइन के लोगों को भी हमें ही ऑब्जर्व करना है, हर कोई पेशेंट को कोई लक्षण आते हैं क्या ये हमें ही डायग्नोसिस करना है। जब उनके घर पे कोई दूध सब्जी या उनकी जरूरत की चीजें नहीं पहुंचा रहा था तो एक आशा वर्कर को ही वो काम भी उनके करने पड़े हैं, कि वो नैतिकता का आधार है हमारा, हमें वहीं पे काम करना है। पहले काम था रूटीन का, अब जो काम है कोरोना के दौरान, जैसे पहले हमारा सर्वे होता था आंगनवाड़ी का, तो हम जो है साल में 2 बार सर्वे करते थे अपने एरिए का, या फिर जिस घर में गर्भवती थी वहां हम जो है उनकी मॉनिटरिंग के लिए 1 दिन में 2 दिन में जाते थे। लेकिन अब जो है कभी ICDS डिपार्टमेंट हमसे सर्वे करवा रहा है, कभी हेल्थ डिपार्टमेंट हमसे सर्वे करवा रहा है, मतलब डेली का ये था कि घर घर जाओ, घर घर जाके लोगों को समझाओ और उनका उनकी डिटेल लेके आओ। आज कर लिया तो कल को हो सकता दूसरा विभाग बोल दे कि आप जाओ ये नहीं, ये लिस्ट बना के लेके आओ। मतलब अनाप शनाप तरह के हमारे से काम लिए गए हैं लॉकडाउन के दौरान। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कुछ दिया ही नहीं गया, जब हमने विरोध किया इस चीज का कि हम फील्ड में नहीं जाएंगे, अगर आप मास्क सैनिटाइजर और ग्लव्स नहीं दे रहे तो हम नहीं जाएंगे। तो हमारे विरोध के बाद क्या हुआ कि एक हाथ का सिर्फ एक पीस हमें ग्लव्स का मिला, और वो भी ये कहते हुए कि बस ठीक है ये डाल लो और ज्यादा से ज्यादा हाथ धो लेना आप लोग, सैनिटाइजर वगैरह ऊपर से कुछ नहीं दिया है सरकार ने विभाग ने, तो हम कहाँ से दे, अधिकारियों का ये मानना था। और मास्क की जगह उन्होंने बोला कि आप जो दुपट्टा ओढ़ते हो उस दुपट्टे को अपने मुंह पे बांध दो और आप काम करो, आपको करना चाहिए, ये तो समाज सेवा का काम है। इस तरीके से जो है इमोशनल तरीके से भी उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, लेकिन ये सच्चाई है कि हमने अपनी जान को दाव पे लगा के काम किया है, हमें कोई भी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करवाया गया। सरकार हम नाम को ले कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो मैदानी स्तर पर एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली वर्कर उनको मिलती है, लेकिन उसके बारे में वो सिर्फ काम लेने के लिए सोचते हैं। सरकार जो है वो काम लेने के लिए सोचती है, लेकिन उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचती। हर तरह का काम, सर्वे करना है, जाना है, पनाह देना है, सिग्नेचर लेना है रजिस्टर में, सिग्नेचर में हम उन देंगे, रजिस्टर देंगे, यदि वो मान लीजिए कि उनको है कोरोना है उनको, तो वो जो छींगे तो उसके पेन भी वो लेंगे, रजिस्टर में भी करेंगे, तो उसका जो वायरस है वो हमारे ऊपर भी आ सकता है। लेकिन सरकार ने हमें इस बीच में ना तो मास्क दिया, ना तो हमको सैनिटाइजर दिया, ना ही हमको ग्लव्स दिया, ना ही कोई किट दिया, और हम ऐसे ही हम जो है अपनी सुरक्षा खुद करते हुए काम कर रहे हैं। हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ये स्थिति है।